रूस यूक्रेन के बीच घमासान जारी, दोनों देशों की अपनी अपनी तैयारी। रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमले, रूस आज मार रहा है नए नए मिसाइल, यूक्रेन के शहरों पर करता जा रहा है कब्जा। यूक्रेन भी अड़ा हुआ है, मैदान में डटा हुआ है। यूक्रेन तबाह हो रहा है, रूसी सेना के बम बारूद यूक्रेन को बर्बाद कर रहे हैं, हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। यूक्रेन का कोई ऐसा शहर नहीं जहां मलबों का ढेर न हो, जली हुई इमारतें न हो, सड़कों पर लाशें न हो। पूरब और उत्तर की तरफ से शुरू हुई जंग के दायरे में यूक्रेन का पश्चिमी और दक्षिणी इलाका भी आ चुका है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं, हर बड़े और महत्वपूर्ण शहरों को रूसी सेना निशाने पर ले रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह शहर मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ अजोवस्टल प्लांट को छोड़कर पूरे मारियोपोल पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है। रूस आक्रामक है तो यूक्रेन भी जबरदस्त तरीके से अपना बचाव कर रहा है। मारियोपोल में लंबा संघर्ष चला। रूस की सेना बेशक कब्जे का दावा कर रही हो, लेकिन यूक्रेन की सरकार फिलहाल इसे मानने को तैयार नहीं। मारियोपोल पर कब्जे की खबर गलत है, अभी भी मारियोपोल में जंग जारी है। यूक्रेनी सेना ने दूसरे देशों से मदद मांगी है। कब्जे को लेकर दोनों देशों के दावे गलत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि शहर जल रहा है। मारियोपोल के लोग युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं। शहर की सड़कों पर टैंक मौत बनकर घूम रहे हैं। यूक्रेनी सेना की सफाई के लिए रूसी सैनिकों के ऑपरेशन दहशत पैदा कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी अपने हिसाब से रूसी हमलों का जवाब दे रही है। सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, चारों तरफ चीख पुकार और तबाही का आलम है। युद्ध की सच्चाई यही है। मारियोपोल से पहले रूसी सेना का कहर रूस का केमिन्ना शहर झेल चुका है। यहाँ भी रूसी सेना मौत का तांडव दिखा चुकी है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आ रही है कि मारियोपोल से पहले केमिन्ना शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। क्षेत्रीय गवर्नर ने कब्जे की पुष्टि की। यहाँ से यूक्रेनी सैनिक पीछे हट गए। युद्ध से पहले यहाँ की आबादी 18,000 थी। पहला शहर बना जिस पर कब्जे की पुष्टि रूसी सेना ने। क्रिमिया पर कब्जा रूस के लिए बेहद खास है। शहर तो ये छोटा है, लेकिन इस शहर का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। क्रिमिया पर कब्जा रूसी सेना को बहुत बड़े शहर क्रामाटोर्स्क के करीब ले जा सकती है। ये पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर रूस के संभावित लक्ष्यों में से एक है। ये शहर पूर्वी यूक्रेन के रूस नियंत्रित क्षेत्र और क्रिमिया के बीच लिंक का काम कर सकता है। रूस का फोकस शुरू से ही पूर्वी यूक्रेन पर रहा है। पूर्वी यूक्रेन पर रूस अपना कब्जा जमाना चाहता है, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे रूसी ओरिजिन के लोग रहते हैं। रूस का दावा रहा है कि यूक्रेन इन लोगों का शोषण करता है। यूक्रेन की सेना यहाँ ज्यादती करती है। युद्ध शुरू करने की सबसे बड़ी वजह रूस यही बताता है। ऐसे में केमिन्ना पर कब्जा रूस के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रूस को पूर्वी यूक्रेन में अपने प्रभाव वाले इलाके और क्रीमिया क्षेत्र के बीच एक भूमि लिंक स्थापित करने में मदद मिलेगी। पूर्वी यूक्रेन पर रूस की पकड़ मजबूत होती जा रही है। विवाद की जड़ रहे डोनबास पर रूस के कब्जे का दायरा बढ़ता जा रहा है। इस इलाके में डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र भी आते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूसी सेना का लगभग 80% क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति पुतिन का मकसद डोनबास तक रूसी क्षेत्र का विस्तार करना है और फिर इलाके की सत्ता मॉस्को को समर्पित विद्रोहियों के हाथों में सौंप देना है। 24 फरवरी से पहले करीब 60% क्षेत्र यूक्रेनी सरकार के नियंत्रण में था। रूस की सेना का प्रभाव क्षेत्र बढ़ता ही जा रहा है। रूस के बड़े शहरों को निशाना बनाने के साथ साथ रूसी सेना
सामरिक महत्व वाले इलाकों को भी निशाना बना रही है। पूर्वी यूक्रेन पर तो रूस का फोकस ज्यादा है। अब जानकारी मिल रही है कि क्रेमिना पर कब्जे के बाद रूसी सेना रूबिजन और पोपसाना शहरों की तरफ बढ़ रही है। इलाके के गवर्नर ने सभी नागरिकों से तत्काल शहर छोड़ने की अपील कर दी है। जाहिर है रूसी सेना का तेज होता हमला यूक्रेन के लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है, लोगों को देश छोड़ने पर मजबूर कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के मुताबिक अब तक 50 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर भाग चुके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का ये सबसे दुखद पहलू है। यूक्रेन के लोग शरणार्थी जीवन जीने के लिए बाध्य हैं, किसी भी तरह से युद्ध के क्षेत्र से बाहर निकलना चाह रहे हैं और अपने अपने परिवार वालों के जीवन को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। इस युद्ध में रूस की हालत भी बिगड़ती जा रही है। आर्थिक प्रतिबंधों की मार रूस को परेशान कर रही है। रूसी सेना लाख दावे करे, युद्ध क्षेत्र में उसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय का नया दावा इस बात को सही ठहराता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि रूस में भारी हमलों के बाद रूसी सेना को कोई खास बढ़त हासिल नहीं है। रूसी सेना एनवायरनमेंट, रसद और तकनीकी चुनौतियों की वजह से मुश्किल का सामना कर रही है। वॉर जोन की बदली हुई परिस्थितियों ने ही शायद रूस के राष्ट्रपति पुतिन की पेशानी पर बल ला दिया है। जल्द अच्छे नतीजों की आस में रूस नए नए हथियारों को आजमा रहा है, लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ाता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जल्द समझौता नहीं हुआ तो ये तो तय है कि नतीजे काफी खतरनाक होंगे। यूक्रेन के वजूद के साथ साथ पूरी मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।